मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हमारे चैनल पे है गौरव झा, जो कि पटना में रह करके कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब भी कोई कैंडिडेट पटना आता है, तैयारी करता है, तो कई बार उसको शुरू में पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ पढ़े, क्या करे, मतलब असलियत कुछ मतलब होता कुछ और है और वो कर कुछ और लेता है। ठीक है, सो समय ना इसमें बहुत ज़्यादा किल हो जाता है। इसी सब के रिगार्डिंग मैं गौरव झा से बात करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल गौरव, थैंक यू। अपने और बारे में कुछ व्यूवर्स को बताइए ताकि लोग जान जी, सके। मेरा नाम गौरव झा है और हम सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं और पिछले 5-6 साल से अप्रोक्स पटना रह रहे हैं और पटना रह के तैयारी कर रहे हैं। यही है, दैट्स इट। गौरव, जैसा कि आपने बताया आप पटना 5-6 साल से रह रहे हैं, तो ये 5-6 साल का जो ड्यूरेशन है, मतलब ये कैसे हुआ? ठीक है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए व्यूअर्स को। मैं 2016 में पटना आया और ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि कंपटीशन क्षेत्र में उतरना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ का मतलब माहौल, सेशन कब से कब था आपका? मेरा सेशन था 2016 से 2019 का सेशन, अच्छा, और जब मैंने पूरा फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो यहाँ का माहौल देखा कि यहाँ का माहौल जो था पटना का पूरा कंपटीशन वाला था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब कंपटीशन में उतरना है और कुछ करना है। तो क्योंकि हम भी सोचते थे कि कंपटीशन के माध्यम से कोई गवर्नमेंट जॉब मिले और इसी अच्छा, बहाने तो देश की सेवा करने का मौका मिले। अच्छा ठीक है। तो कंपटीशन, देखिए एक शब्द आता है कंपटीशन, तो यहाँ पे ना सीधे कहता है बच्चा कि हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर बात करेंगे तो रेलवे अलग हो गया, SSC अलग हो गया, बैंकिंग अलग हो गया, सबका सिलेबस वगैरह अलग अलग होता है। तो आप मतलब स्पेशली अब किस चीज पे फोकस्ड, मतलब स्पेशली या तो बैंकिंग का करते हैं या फिर सब कंबाइन करते हैं, मतलब किस तरह से करते हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ टारगेट था नहीं कि ऐसे पर्सनली नहीं उसी सेक्टर का करना है, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ मेरा फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर एक सेक्टर में लगे रहते हैं तो होता क्या है कि एक्चुअली अगर रेलवे के सेक्टर में हम लगे रहेंगे तो इसका मैक्सिमम टाइम के बाद इसका वैकेंसी जाता है, सही बात है। और बैंकिंग में लगे रहेंगे तो उसका रेगुलरिटी एकदम रेगुलर उसका रहता है सब कुछ, और फिर SSC में लगे रहेंगे तो वैसे ही वैकेंसी जो होता है अब मिनिमाइज कर दिया गया है। पोस्ट की संख्या बहुत मिनिमाइज है और कैंडिडेट्स मैक्सिमम है। और अगर हम सोचें कि नहीं, मेरे मुझे बैंकिंग में ही स्पेशली लगना है तो मेरे मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं हमको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब जॉब चाहिए। चाहिए, सही बात और है। इसी के वजह से मैंने अगर सारे अच्छा रेलवे, बैंकिंग और SSC सबको एक साथ लेके चला, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल की कोई जॉब लेना है गवर्नमेंट, और उसके बाद टारगेट करना है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, वो गोल मैंने डिसाइड कर चुका हूँ मैं, और वो अच्छा होगा। तो अभी तक एक बात बताइए आपकी, जैसा कि आपने बताया आप सारे एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, मतलब ऑलराउंडर है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर घुसते हैं ना, तो ये सबके बस का बात नहीं होता है, क्योंकि सारा सबका सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कहाँ कहाँ आया है इसके बारे में आप कुछ बताइए व्यूअर्स को। मेरा रिजल्ट बैंकिंग सेक्टर में भी आया था बट फाइनल नहीं हो पाया, और रेलवे का तो आप कंडीशन जान ही रहे हैं क्योंकि इसका एग्जाम स्टार्ट होता है और एंड होने तक फाइनल सिलेक्शन लेते लेते कितना लंबा प्रोसेस, इसका बहुत लंबा है। अभी जो RRB NTPC है उसमें भी मेरा स्कोर बहुत ही बेटर है, जिसका रिजल्ट CBT 1 का जो है पब्लिश होने वाला 15 जनवरी को, और कन्फर्मली लगता है कि आएगा ही उसमें भी रिजल्ट। अभी रिसेंटली बिहार पुलिस का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी मेरा रिजल्ट जो चलिए है कंग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू थैंक। और उसका भी फिजिकल वगैरह मेडिकल ये सब बाकी है, तो हो गए 100%। गौरव, मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाह रहा हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट अगर पटना आता है तो आके भटक सा जाता है, भटक सा जाता है मतलब कि वो खूब जू जाएगा, इको पार्क जाएगा, थिएटर जाता है, मतलब उसको पता ही नहीं होता है, 2 साल उसका यूं ही गुजर जाता है। कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप भी भटके हैं थे शुरू में क्या?
नहीं, ये सब फ्रेंड सर्किल के वजह से होता है, और मेरा फ्रेंड सर्किल ऐसा कुछ था नहीं, जो ही मित्र थे वो बहुत ही बेस्ट थे। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के आते हैं यहाँ तैयारी को लेकर, मगर ये सब सारी चीज़ें देखते हैं तो बिल्कुल भटक सा जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा अगर कारण देखिएगा तो ये फ्रेंड सर्किल मैटर करता है, कि फ्रेंड सर्किल अगर आपका बेस्ट है तो ये प्लेसेस मैटर नहीं करता है, कि क्या सिटी क्या मैटर करेगा इस सब को लेके। सही बात। तो मेरे जो भी मित्र हुए वो बहुत ही अच्छे थे, जस्ट लाइक वरुण ठाकुर एंड अमर झा। अगर मैं उन लोगों का रोल मेरे लाइफ में बहुत बड़ा है, बिकॉज मैं यहाँ तक अभी जो भी हूँ उन लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा। आई होप कि आगे भी सब अच्छा हो, आगे सब अच्छा होगा, और मेरे मित्र भी लंबा टाइम तक वो दोनों रहे। सही बताया आपने कि फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए तो सब सही रहता है, और क्योंकि यहाँ पे ना जो फ्रेंड सर्कल गलत हुआ तो सब यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो और ये कई बार होता है ना कि लड़का लड़की के चक्कर में भी, मतलब ऐसा कॉमन है, अट्रैक्शन कहीं भी हो सकता है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ था? मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ नहीं, मगर औरों के साथ होता है। कभी कभी अकवर्ड लगता है कि नहीं, लड़की के लाइफ में होना जरूरी है, मगर फिर भी सोचते कभी कभी नहीं, ये बेटर है कि सिंगल है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमको पढ़ाई के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास अगर लड़की रहता है तो उसको ऐसा ये सब टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बॉन्डिंग अगर बेटर है तो लड़का लड़की मैटर नहीं करता है। मगर अगर क्या कहें, अगर लड़का लड़की फ्रेंड अच्छी भी है बुरी भी है वो आप पे डिपेंड करता है और लड़की पे डिपेंड करता है। बॉन्डिंग सबसे बड़ा मैटर करता है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग अगर बेटर है तो सब कुछ बेटर होगा। सही। गौरव इतना सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि मेरा मेन मोटो जो है इस वीडियो का, क्योंकि उस व्यूवर्स को इस सब के बारे में बताना, ताकि समय जो है ना, समय को बचाने के लिए, कि कोई व्यूवर अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना आता है तो उसका समय कैसे पूरा एकदम सेव रहे और सही गाइडेंस में वो तैयारी करे, ताकि जल्दी जॉब ले ले, ठीक है। तो आपका क्या मतलब मैसेज रहेगा, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे आप क्या मतलब उसको संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जितने भी स्टूडेंट हो जस्ट लाइक मेल एंड फीमेल, अगर वो पटना आना चाहते हैं तो पहले प्लानिंग करें कि क्या करना है उनको लाइफ में, क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक गाइडेंस, तो अगर आप अगर सीनियर से आप अपना कॉपरेट कीजिएगा तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपको अपना सारा एक्सपीरियंस बताएगा कि ये होता है वो होता है ऐसा वैसा सारा चीज़ बताएगा, ताकि आपके लिए बहुत आसान होगा। सो पहले आप सीनियर से बातचीत करें, वो बेटर रहेगा, और यहाँ आने के बाद आप मैक्सिमम टाइम सिर्फ पढ़ाई को लेकर एकदम पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको ऐसा चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी जो आपको पढ़ाई से भटकाएंगे। तो भटकना नहीं है और अपने गोल को प्राप्त करना है, और मेरा यही इंटेंशन है कि आप लोग भी एकदम मेरी तरह, अभी तो फाइनल रिजल्ट हुआ नहीं, हो ही जाएगा, ये सब जल्दी हो जाएगा, 2022 आपके लिए एकदम पूरा बेस्ट रहे, क्योंकि अभी जब रिजल्ट जब एक बार कतार में आ जाता है ना तो फाइनल हो ही जाता है। सो थैंक यू गौरव, और कुछ और बोल दीजिए क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।